नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफिक नेशन में। तो आज हम जानेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री के बारे में। सुनील छेत्री भारत के ऐसे महान खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने फुटबॉल करियर में कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं कि आज भारत अपनी भारतीय फुटबॉल टीम और सुनील छेत्री पर गर्व करती है। फुटबॉल में सुनील छेत्री का करियर बेमिसाल रहा है, जिसकी वजह से सुनील छेत्री ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है। वर्तमान में फुटबॉल को वही दर्जा दिया जाता है जो कि आज क्रिकेट को दिया जाता है। इसका पूरा श्रेय भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री को दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के बारे में। सुनील छेत्री एक भारतीय मशहूर पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हें फॉरवर्ड के रूप में खेलने के लिए जाना जाता है। यह इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु FC की ओर से खेलते हैं। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त सन 1984 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में हुआ। इनके पिता का नाम KB छेत्री और इनकी मां का नाम सुशीला छेत्री है। इनके पिता भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के एक बहुत ही बहादुर जवान थे। सुनील छेत्री की एक बहन भी है जिनका नाम वंदना छेत्री है। सुनील छेत्री ने अपने स्कूल की पढ़ाई अलग अलग जगह पर की है। सुनील छेत्री के पिता भारतीय सेना में थे, यही वजह है कि बार बार उनका ट्रांसफर अलग अलग जगह होता रहता था। सुनील छेत्री ने गैंगटोक में स्थित बहाई स्कूल, दार्जिलिंग में मौजूद बेथानी और RCS तथा कोलकाता के लोयला स्कूल और न्यू दिल्ली में मौजूद आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। 17 साल की उम्र में ही साल 2001 में सुनील छेत्री ने दिल्ली में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर दिल्ली सिटी फुटबॉल क्लब की ओर से फुटबॉल खेलना चालू किया। अपनी शानदार परफॉर्मेंस के चलते सुनील छेत्री लगातार लोगों की नज़रों में आते जा रहे थे, साथ ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार साल 2002 में सुनील छेत्री को मोहन बगान फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने का मौका मिला, जो कि कोलकाता का फुटबॉल क्लब है। और इस प्रकार फुटबॉल खेलते खेलते साल 2005 में इन्हें इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा बनाया गया। और इस प्रकार साल 2005 में 12 जून को इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की ओर से खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पहला गोल किया। यह वही साल था जब यह JCT फुटबॉल क्लब में भी दिखाई दिए। इस फुटबॉल क्लब के लिए इन्होंने 3 साल तक खेला। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इन्होंने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जैसी टीमों के लिए भी खेला। अभी के समय सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। सुनील छेत्री की शादी इनके मेंटर सुब्रतो भट्टाचार्य की बेटी से हुई है, जिनका नाम सोनम है। सोनम ने स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। सुनील छेत्री और सोनम भट्टाचार्य की शादी 4 दिसंबर साल 2017 में कोलकाता शहर में हुई थी। सुनील छेत्री ने अपने फुटबॉल करियर में बहुत से रिकॉर्ड भी बनाए हैं और इन्हें काफ़ी सारे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इन्होंने भारत को 2007, 2009 और 2012 के नेहरू कप और साथ ही 2011 और 2015 व 2021 की सेफ चैंपियनशिप जीतने में मदद की है। सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। फीफा ने खुद 2022 फीफा विश्व कप के अवसर पर इनके जीवन और करियर के बारे में वितरचित के 3 एपिसोड जारी करके इन्हें सम्मानित किया है। सुनील छेत्री को साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार और साल 2019 में पद्मश्री और साल 2021 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा भी सुनील छेत्री को काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।